Hello friends, welcome to my channel Cooking Made Easy. Today's recipe, everybody sought after Palak Paneer, authentic Punjabi style Palak Paneer. So for that, sabse pehle mujhe chahiye paneer ke tukde maine cube karke kaat liye hain. Kuch log paneer ko fry bhi kar lete hain, but main isme fry nahi karungi. And I have taken one large size onion, roughly chopped. Aap isko piece bhi सकते हैं, ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें फाइनली चॉप ले लिया है. और मुझे एक पेस्ट चाहिए. इस पेस्ट में मैंने यूज़ किया है कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन. मैंने सारे को मिक्सी में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लिया है. एंड माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज पालक. पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है, ब्लांच करके मिक्सी में पीस लिया है. अब ब्लांच करने का तरीका मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. दो टमाटर मैंने मिक्सी में नाइसली पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है. आप टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं. और मुझे चाहिए कुछ बेसिक मसाले. नमक अपने स्वादानुसार आप डालेंगे. और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और हल्दी, दैट्स ऑल. और इसमें थोड़ा सा चीनी पड़ता है, थोड़ा सा मिठास होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चीनी लिया है, हाफ़ टी स्पून. और यहाँ पर गर्म मसाला मैंने लिया है, रेगुलर गर्म मसाला. अब इसके लिए एक बटर का टुकड़ा मैंने लिया है, 10 grams ऑफ बटर का टुकड़ा. और छौंक के बारे में मैं बाद में बता रही हूँ. मैं इसमें वाइट ऑयल यूज़ करूँगी. पैन को मैं सबसे पहले गर्म करूँगी. इसमें मैं 2 चम्मच वाइट ऑयल यूज़ करूँगी. आप कोई भी वाइट ऑयल कुकिंग यूज़ कर सकते हैं. सी फ्रेंड्स, मेरे 2 चम्मच तेल अब गर्म होने को है. अब मैं इसमें छौंक लगाऊँगी, ज़ीरा का, सफ़ेद ज़ीरा. क्वार्टर टी स्पून जीरा इज़ इनाफ. और मैं इसमें डाल दूँगी एक सूखी लाल मिर्च. अब जब ये छौंक चटकने लगता है, तब इसमें मैं डाल दूँगी अपना रफली चॉप किया हुआ प्याज. जो लोग प्याज का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इस समय वो प्याज का पेस्ट डाल देंगे. अब इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी. बहुत ज़्यादा लाल होने तक फ्राई नहीं करना है. गोल्डन कलर जब आ जाएगा तब हो जाएगा. इट टुक 2 to 3 minutes. गोल्डन कलर हो गया. मीडियम फ्लेम में रख के मैंने इसको फ्राई कर लिया. अब मैं इसमें अपना धनिया का पेस्ट ऐड कर रही हूँ. इस पेस्ट में मैं फिर से बता देती हूँ, धनिया का पत्ते, ग्रीन चिली और लहसुन मैंने डाला है. इसको मैं थोड़ा सा रॉनेस इसका जाने तक फ्राई करूँगी. तेल भी पास से छूटने लगेगा. जब ये हो जाएगा, आप इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा. यस, इट इज़ डन. अब मैं इसमें अपना टोमेटो प्यूरी डालूंगी. टोमेटो प्यूरी को भी मैं बहुत अच्छी तरह से चला लूंगी. इसकी भी रॉ स्मेल जाने तक इसको फ्राई करना पड़ेगा. दिस विल ऑल्सो टेक अनदर 2 to 3 minutes इन मॉडरेट फ्लेम. ये हो गया है, इससे भी तेल छूट गया. अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर. नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा. अब क्या इसमें मेरा चीनी और गरम मसाला. सारे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं अब ऐड करूंगी मेरा ब्लांच किया हुआ पालक. सारे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं. अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पालक. ये पालक को डाल के इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक चलाना पड़ेगा मॉडरेट फ्लेम में. जब तक पालक अपना कलर चेंज कर लेगा, रॉनेस चला जाएगा, इसका स्मेल जो है फ्राइड स्मेल हो जाएगा. आप एकदम धीमे आंच में इसको 10 मिनट तक चलाएं. 10 मिनट मेरे हो गए हैं. बहुत अच्छी तरह से ऊपर से तेल छूट आया है एंड पालक का भी कलर चेंज हो गया है, रॉनेस भी इसमें चला गया है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरे पनीर के टुकड़ों को. पनीर के टुकड़े इसमें ऐड करके फ्रेंड्स, आप इसको बहुत जेंटली हैंडल करेंगे. इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, बहुत डेलिकेटली इसको फोल्ड करना है. पालक में पनीर को फोल्ड कर देना है. क्योंकि मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है, तो आप बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से चलाएंगे तो पनीर टूट जाएंगे. इसमें पनीर बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी बन. ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं. अब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर.
बटर ऐड करके इसको मैं 2 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दूंगी एंड देन इट इज़ रेडी टू सर्व। आप देखिए दोस्तों क्या लाजवाब इसका कलर, टेक्सचर, बॉडी। मैंने 5 मिनट इसको धीमी आंच में चलाया है। नाउ इट्स एब्सोल्यूटली रेडी टू सर्व। आई विल जस्ट शो यू सर्व करने के बाद हाउ इट लुक्स लाइक। फ्रेंड्स होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और मेरे नए फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। सो ऑल ऑफ यू बी हैप्पी, बी मेरी एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग माई डिश।